तीसरी लहर को लेकर लोगों में घबराहट कम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कई वैज्ञानिकों ने सितंबर में तीसरी लहर आने की आशंका जताई है। खतरा सिर्फ तीसरी लहर का नहीं बल्कि कोरोना के नए खतरनाक वेरिएंट डेल्टा को लेकर भी है। समझा जा रहा है कि दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार वेरिएंट से 5 गुना ज्यादा खतरनाक है। हालांकि डॉक्टर दिलासा दे रहे हैं कि इस बात की कोई सबूत नहीं कि तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। बहरहाल बच्चों के लिए वैक्सीन का ट्रायल अभी कायदे से शुरू भी नहीं हो पाया। ऐसे में कोरोना टेस्टिंग और ट्रेसिंग ही महामारी पर काबू पाने का सबसे अहम जरिया है। ट्रेसिंग यानी संक्रमित व्यक्ति के संपर्कों की पहचान की बात तो कोसों दूर रह गई। सच्चाई तो ये है कि कोरोना पर काबू पाने के लिए राज्य सरकारें अब टेस्टिंग भी कम करती जा रही हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत कुंभ के दौरान टेस्टिंग के डेटा को लेकर सामने आया। करीब महीने भर चले कुंभ मेले के दौरान उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा हरिद्वार में हर रोज कम से कम 50,000 टेस्ट का आदेश दिया गया। जांच में लोगों के नाम और पते फर्जी पाए गए, यहाँ तक कि फोन नंबर और एंटीजन टेस्ट किट नंबर भी एक ही थे, जबकि टेस्ट किट एक ही बार इस्तेमाल हो सकती है। इनमें से कुछ लोग कभी कुंभ में हिस्सा लेने ही नहीं गए थे, जबकि उत्तराखंड ने कुंभ मेले के दौरान 8 सैंपल एजेंसीज की मदद से हरिद्वार में कुल 4 लाख टेस्ट कराए थे। अब दूसरी एजेंसीज भी जांच के घेरे में है। कहा तो ये जाता है कि कुंभ मेले को सांकेतिक करने के प्रस्ताव की वजह से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को गद्दी छोड़नी पड़ी और नए सीएम तीरथ सिंह रावत ने शपथ लेते ही कहा कि कुंभ में कोरोना का खतरा नहीं है, बल्कि उन्होंने टेस्ट की भी जरूरत को खारिज कर दिया। दरअसल धार्मिक आस्था की सियासत करने वाली बीजेपी उत्तराखंड और यूपी में होने वाले चुनाव के मद्देनजर करोड़ों लोगों के इस जमावड़े पर रोक लगाने को तैयार नहीं थे। हालांकि हाल ही में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और मोदी शाह ने भीड़ जुटाने में परहेज किया, बल्कि मोदी जी तो भीड़ देखकर बहुत प्रफुल्लित हुए। आज चारों तरफ मैंने ऐसी सभा पहली बार देखी है जी। मैं जहां देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है। अब तो गैर बीजेपी दलों की सरकार भी केंद्र के नक्शे कदम पर चल पड़ी है। राजस्थान में ही कोरोना टेस्टिंग लगातार कम होती जा रही है। वहां चिकित्सा विभाग ने सैंपलिंग 48% तक घटा दी है। बताया जा रहा है कि लक्षण ना होने की वजह से टेस्टिंग घटा दी गई है, क्योंकि दूसरी लहर पर काबू पा लिया गया है। सच्चाई ये है कि कोरोना पर काबू पाने के लिए टेस्टिंग घटाई जा रही है। जयपुर में हर दिन 14,000 से ज्यादा लोगों की जांच घटाकर 6,000 कर दी गई है। यही हाल छत्तीसगढ़ में भी है। कहा जा रहा है कि लोग जांच के लिए नहीं आ रहे हैं। हरियाणा में तो 1 लाख कोविड रिपोर्ट ही फर्जी तैयार कर दी गई थी। इनमें से एक सज्जन को नेगेटिव बताया गया था जिन्होंने टेस्ट कराया ही नहीं था। सियासत के लिए इंसानियत को दांव पर लगाया जा रहा है, क्योंकि दूसरी लहर में होने वाली मौत के आंकड़े भी कम करके दिखाए जा रहे हैं, ताकि दुनिया को बताया जा सके कि सब चंगा सी। जबकि वैज्ञानिकों के मुताबिक दूसरी लहर में भारत में 20 लाख से ज्यादा लोगों की मौत का अंदेशा है। गंभीर बात यह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों ने कहा है कि पहली लहर में सरकारों ने कोरोना रोगी कम होने पर टेस्ट कम कर दिए थे, इस वजह से वो दूसरी लहर का अंदाजा नहीं लगा पाए। अगर तीसरी लहर को रोकना है तो टेस्ट कम नहीं करने चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।